दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का 28वां मुकाबला खेला जा रहा है, जहां पर इस मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ से पहले बल्लेबाजी देखने के लिए मिली। जी हां दोस्तों, हम आपको बताएं कि आज के इस मुकाबले में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जहां पर उनका गेंदबाजी करने का फैसला भारतीय क्रिकेट टीम के सामने बिल्कुल सही साबित होता हुआ भी दिखाई दिया। दरअसल दोस्तों, यहां पर जब भारतीय टीम मैदान पर उतरी तो भारत की टीम के 5 बड़े विकेट मात्र 70 रन के स्कोर पर ही गिर चुके, क्योंकि यहां पर केएल राहुल मात्र 18 रन बनाकर आउट हुए। तो वहीं ईशान किशन ने 4 रन की पारी खेली और रोहित शर्मा ने 14 गेंदों में 14 रन बनाए। और वहीं बात करें विराट कोहली की, तो विराट कोहली ने 17 गेंदों में 9 रनों की पारी खेली और ऋषभ पंत ने 19 गेंदों में 12 रन बनाए। हालांकि दोस्तों, इस मुकाबले में जब केएल राहुल और ईशान किशन उतरे थे तो उनसे उम्मीद जताई जा रही थी कि आज ये दोनों की नई ओपनिंग जोड़ी एक अच्छा कमाल कर दिखाएगी, क्योंकि यहां पर रोहित शर्मा ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरे नहीं थे। लेकिन ऐसा कर पाने में ये दोनों ही बल्लेबाज नाकामयाब रहे, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों ही बल्लेबाजों की तरफ से शर्मनाक प्रदर्शन देखने के लिए मिला। जब आईसीसी वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला खेला गया था पाकिस्तान के खिलाफ, उस मुकाबले में भी केएल राहुल कुछ ज्यादा खास कमाल कर नहीं पाए थे और आज भी मात्र वो 18 रन बनाकर ही आउट हुए। तो वहीं ईशान किशन को आउट किया ट्रेंट बोल्ट ने, जहां पर वो मात्र 4 रन ही बना सके। तो वहीं रोहित शर्मा को इस सोडी ने मार्टिन गुप्टिल के हाथों कैच आउट करवाया। हालांकि अंत में जाकर पारी को संभाला हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा ने, जहां पर इन दोनों ही बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन कर दिखाया। और एक समय तो ऐसा लग रहा था कि भारतीय क्रिकेट टीम के सभी विकेट 100 रन के स्कोर तक ही गिर जाएंगे, क्योंकि यहां पर भारतीय बल्लेबाजों के बल्ले से ना तो छक्के लगते हुए दिखाई दे रहे थे और ना ही चौके, क्योंकि यहां पर हार्दिक पांड्या जहां 22 गेंदों में मात्र 22 रन की ही पारी खेलकर मैदान पर टिके हुए थे, तो वहीं रविंद्र जडेजा भी कोई ज्यादा कुछ खास बड़ा शॉट लगा नहीं पा रहे थे। लेकिन इन दोनों ही बल्लेबाजों की बदौलत भारतीय क्रिकेट टीम का स्कोर थोड़ा आगे तक बढ़ पाया। हालांकि इस मुकाबले में भी भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ से शर्मनाक प्रदर्शन ही देखने के लिए मिला। तो वहीं दोस्तों, हम आपको बता दें कि आज मैच के दौरान ईश सोडी ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की तरफ से काफी शानदार गेंदबाजी की, जहां पर उन्होंने 4 ओवर फेंकते हुए मात्र 17 रन दिए और दो बड़ी सफलताएं भी हासिल करी। तो वहीं एडम मिलने ने 4 ओवर फेंकते हुए 26 रन देकर एक बड़ी विकेट ली और टिम साउदी को भी एक विकेट हासिल हुआ और ट्रेंट बोल्ट ने भी एक विकेट लिया। और पहली पारी में भारतीय क्रिकेट टीम ने खबर बोले जाने तक 20 ओवर में इतने रन बना लिए जितने कि आप यहां पर स्कोर कार्ड में देख सकते हो। बाकी बल्लेबाजों ने जितने रन बनाए वो आप सभी की स्क्रीन के सामने। हालांकि दोस्तों, इस मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाजों से काफी ज्यादा उम्मीद थी कि वो अच्छी बल्लेबाजी करेंगे और भारत के स्कोर को आगे पहुंचाएंगे, क्योंकि इस मुकाबले को भारतीय टीम को जीतना काफी ज्यादा जरूरी था, क्योंकि अगर सेमीफाइनल में भारत को जगह बनानी है तो इस मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम जीतने के साथ ही सेमीफाइनल में बनी रहती। लेकिन इस मुकाबले में अगर भारत को अब हार मिल जाती है तो भारतीय टीम का आईसीसी टी20 विश्व कप से पत्ता भी साफ होता हुआ आप सभी को दिखाई दे सकता है। लेकिन अब आपकी क्या राय है, क्या भारतीय टीम वापसी करेगी इस मैच में या फिर भारत इस मुकाबले को हार ही जाएगा? आप अपनी पहली पारी के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर राय बताइएगा।